हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू स्टडी आई की जुडिशरी आई एम श्रमीष श्रीवास्तव और आज के इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम कवर अप करेंगे सेक्शन 19 से लेके 24 तक व्हिच टॉक्स अबाउट वेस्टेड इंटरेस्ट एंड कंटेजेंट इंटरेस्ट सो दिस इज आर लेक्चर नंबर एट इन व्हिच वी आर गोइंग टू कवर दीस सेक्शंस ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट एंड इन द लास्ट क्लास वी हैव डिसकस्ड टिल सेक्शन नंबर 17 तो डॉक्ट्रिन ऑफ एक्युमुलेशन हमने समझ लिया

की? तो आज हम कवर अप करने वाले हैं सेक्शन नंबर 18 से लेकर पूरा आपका 27 तक राइट जस्ट मिनट सेक्शन नंबर 18 से लेकर पूरा 27 ट्वेंटी इज नॉट वर्किंग जस्ट मिनट सेक्शन नंबर एट नाइनटीन से लेके

होती हैं आपकी शाम को 4 onwards. And अगर आपको कोई भी हो हो तो आप मुझसे सकते टेलीग्राम या फिर इंस्टाग्राम पे तो टेलीग्राम पे आप मुझे सर्च कर सकते हैं श्रीमी श्रीवास्तव के नाम से सिमिलरली इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं सेम यूजर नेम से कोई भी डाउट हो इन रिस्पेक्ट ऑफ कोर्स एग्जामिनेशन और सेशन और क्लास में जो मैं पीपीटी यूज़ करती हूं, ये सारा कंटेंट आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा तो टेलीग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इस नाम से श्रीमी श्रीवास्तव के नाम से और आप कलेक्ट कर सकते हैं सारा कंटेंट जो भी हम क्लास में यूज करते हैं सो लेट्स बिगिन वी आर टॉकिंग अबाउट वेस्टेड इंटरेस्ट ना जब हम वेस्टेड इंटरेस्ट की बात करते हैं ठीक है जब हम इंटरेस्ट की बात करते हैं तो हमें पहले समझना होगा कि कि ये क्या क्या कह रहा है क्या मतलब है मतलब का का या फिर का। सिंपल से से समझेंगे समझेंगे उसके बाद हम पूरा समझेंगे में किस तरीके से आपको लिखना है अगर आपसे के क्वेश्चन में, में आ जाए तो कितनी इंपॉर्टेंट चीजें आपको जॉट डाउन करनी है लिखनी है राइट आर टॉकिंग अबाउट इंटरेस्ट फर्स्ट देखो वेस्टेड इंटरेस्ट मतलब कुछ आपको मिला ठीक है जिसका मिलना तय है जिसका होना तय है 110 परसेंट आपको इंटरेस्ट मिलेगा दैट इज वॉट इज वेस्टेड इंटरेस्ट नो एग्जाम्पल समझो मान लो एक्स है मान लो एक्स है उसने वाई को प्रॉपर्टी दी ठीक है वाई को प्रॉपर्टी दी और ये कहा कि ये वाई को प्रॉपर्टी मिलेगी एक फरवरी को

कि एक्स ने मान लो वाई को प्रॉपर्टी दी ठीक है एक्स ने वाई को प्रॉपर्टी दी ठीक है और ये कहा कि इसको ये प्रॉपर्टी तब मिलेगी जब बारिश होगी जब मान लो नेक्स्ट वीक के फर्स्ट मंडे को बारिश होगी अब हो नो की बारिश होगी या नहीं होगी अब ये एक अनसर्टेन इवेंट है ठीक है जो डिपेंड करता है अगर हो जाएगी तो यही कॉन्टिजेंट इंटरेस्ट आपका वेस्टेड इंटरेस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा और अगर नहीं हुई तो उसको कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा प्रॉपर्टी में एंड एंड दिस इज इज वेस्टेड इंटरेस्ट इंटरेस्ट तो contingent interest से क्या समझ में आया और आप कैसे देखोगे कि कोई इंटरेस्ट प्रॉपर्टी में जो मिला है वो कंटेजेंट इंटरेस्ट है या वेस्टेड इंटरेस्ट है तो कंटीजेंट इंटरेस्ट के लिए आपको बस ये चेक करना है कि वो चीज होना है तय है या फिर नहीं मतलब अगर आप श्योर हो कि हाँ तीन मार्च अगली आनी ही है एक फरवरी अगली आनी ही है दैट इज वेरी श्योर तो यहां पे श्योरिटी जिसमें है दैट इज वॉट इज बेस्ट इंटरेस्ट कि भाई जैसे एग्जाम्पल में हमने देखा कि एक फरवरी आनी है

नहीं हुई तो फिर प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी आपको फिर इंटरेस्ट नहीं मिलेगा प्रॉपर्टी में दैट इज व्हाट इज कंटेजेंट इंटरेस्ट आई होप इट इज क्लियर नो व्हेन वी सी अबाउट व्हेन वी सी दिस पर्टिकुलर वेस्टेड इंटरेस्ट और कंटेजेंट इंटरेस्ट का तो यहां पे देखो क्या बता रखा है इन दिस पर्टिकुलर कंटेजेंट इंटरेस्ट में बताता का है? आपका डिफाइन कर रखा है सेक्शन नंबर 19 में ये इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए ठीक है सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए ध्यान रखना नाउ इट इज अ इंटरेस्ट व्हिच इज क्रिएटेड इन फेवर ऑफ अ पर्सन वेयर टाइम इज नॉट स्पेसिफाइड अब इस लाइन को अंडरलाइन कर लो कि जहां पे आपका टाइम स्पेसिफाई नहीं कर रखा है तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो अगेन एक एग्जाम्पल से समझते हैं इसको कि एक्स ने

कि कि ये डिपेंड करेगा कि कोई स्पेसिफाइड सर्टेन इवेंट हो रहा है आपको इंटरेस्ट कब मिलेगा एक फरवरी को मिलेगा एंड दैट इज वेरी श्योर की अगले साल एक फरवरी आनी है ऐसा तो है नहीं कि एक फरवरी नहीं आएगी डायरेक्टली दो फरवरी आ जाएगी ऐसा तो नहीं होगा तो यहां पर इसलिए कहता है कि स्पेसिफाइड सर्टन इवेंट स्पेसिफाइड सर्टन इवेंट का एग्जाम्पल है आपका

को वेस्टेड इंटरेस्ट मिल जाएगा एज पर आर एग्जाम्पल ठीक है अब इसका एक एग्जाम्पल देखो ए प्रोमिस टू ट्रांसफर हिस्स प्रॉपर्टी टू बी ऑन अटेनिंग द्वेंटी 22, कि भाई जब तुम 22 साल के हो जाओगे तो तुम्हें प्रॉपर्टी मिल जाएगी तुम्हें इस प्रॉपर्टी में वेस्टेड इंटरेस्ट मिल जाएगा Now B will have vested interest in A's property till the time he does not get the possession of it. अब जब वो 22 साल का हो जाएगा तो उसको vested interest मिल जाएगा even दोस्त के पास अभी उस property का एक ही property का possession नहीं है ठीक है possession होना ना होना is not the factor. The only factor to decide कि property में vested interest है या contingent interest है वो क्या होगा कि उस event का happen होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. क्लियर नाउ अगर मान लो वो पर्सन मर जाता है मान लो डेथ ऑफ द पर्सन हु इज हैविंग द इंटरेस्ट विल नॉट अफेक्ट विल नॉट डिज इंटरेस्ट विल बी वेस्ट इन लोग पच्चीस साल के होने पर आपको बाईस साल के होने पर आपको प्रॉपर्टी मिल जाएगी ठीक है तो उसका वेस्टेड इंटरेस्ट हो जाएगा अब मान लो अगर वो इक्कीस साल में ही मर जाता

फरवरी आना तय है ठीक है तो उसमें मतलब क्या है कि उस पर्सन का उस प्रॉपर्टी में वेस्टेड इंटरेस्ट है बट अगर ऐसा हो कि जब बारिश होगी या जब इंडिया वर्ल्ड कप जीतेगी अगले साल तो प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी दैट इज मेयर चांस ऑफ गेटिंग दी प्रॉपर्टी ठीक है या मेयर चांस ऑफ गेटिंग दी इंटरेस्ट इन दैट पर्टिकुलर प्रॉपर्टी कि भाई बारिश होगी या नहीं होगी तो आपको नहीं पता दैट इज अनसर्टेन अगेन वर्ल्ड कप इंडिया जीतेगी या नहीं जीतेगी ये भी अनसर्टेन है ठीक है जीत गई तो आपको वेस्टेड इंटरेस्ट हो जाएगा नहीं जीती तो फिर आपको उस प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट नहीं मिलेगा ट इज वॉट इज कंटिजेंट इंटरेस्ट बट एग्जाम में अगर आपसे लिखने को आएगा तो आपको यह सारी चीजें लिखनी होगी और कुछ इस तरीके से आपको लिखनी होगी अब इंपोर्टेंट एक्सपेक्ट क्या है

ए ने जो है बी को लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट किया और ये कहा कि जब बी मर जाएगा तो इसकी प्रॉपर्टी एब्सोलूटली सी को चली जाएगी अब टाइम और टर्म दोनों नहीं पता कि बी कब तक जिंदा है हो सकता तो कल मर जाए हो सकता हो 25 साल बाद मर जाए बट ये श्योर है कि बी मरेगा नाउ व्हेन यू जस्ट फाइंड दिस पर्टिकुलर श्योरिटी कि हाँ ये श्योर है दैट मीन सी के पास वेस्टेड इंटरेस्ट है इवन दो अभी उसके पास एंजॉयमेंट नहीं है उस प्रॉपर्टी को लेकर

मान लो उसको वेस्टेड इंटरेस्ट क्रिएट कर दिया बट उसको इमीजिएटली तो नहीं मिला हमारे एग्जाम्पल में बी के फेवर में लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट कर रखा है और बी मरेगा तो सी को प्रॉपर्टी मिलेगी क्लियर अभी सी को यहाँ पे वेस्टेड इंटरेस्ट तो है प्रॉपर्टी में बट उसका इंजॉयमेंट जो है राइट टू इंजॉय इंजॉय करने का प्रॉपर्टी वो पोस्टपोन कर रखा है एंड हेंस कैन नॉट इंजॉय दैट प्रॉपर्टी राइट बट एनी पर्सन हु इज नॉट अ मेजर अगर मान लो कोई माइनर पर्सन है जो मेजर नहीं है एंड हैज अ गार्डियन इज ओनली इंटाइटल टू द वेस्टेड इंटरेस्ट आफ्टर ही अटेन दी मेजोरिटी तो माइनर पर्सन के पास वेस्टेड इंटरेस्ट तभी आएगा जब वो मेजर हो जाएगा जब वो अटेन कर लेगा मेजोरिटी तभी उसके पास वो प्रॉपर्टी आएगी फॉर एग्जांपल ए एग्रीज टू ट्रांसफर बी द प्रॉपर्टी ओ ए ने एग्री किया कि वो अपनी ओ प्रॉपर्टी ट्रांसफर करेगा वाई को एंड डायरेक्ट हिज गार्डियन जेड तो यहां पे ए ने क्या एक्स ने क्या किया सॉरी एक्स ने एग्री किया कि वो अपनी ओ प्रॉपर्टी वाई को देगा क्लियर अब एक्स ने क्या किया जेड जो गार्डियन है माइनर का उसको ही डायरेक्ट किया टू गिव हिम दी प्रॉपर्टी व्हेन ही अटेन्स दी मेजोरिटी अब यहां पे जो वाई है वो माइनर है तो यहां पे गार्डियन को क्या डायरेक्शन दे दिए कि जब वो मेजर हो जाएगा तो प्रॉपर्टी उसको दे दी जाए

उसमेंट है सी उसमें तो उसमें बात ध्यान रखना सी का उसका वेस्टेड इंटरेस्ट रहेगा जैसे ही ट्रांसफर इनिशियट हुआ सी का उसमें वेस्टेड इंटरेस्ट रहेगा नाउ कॉन्ट्री इंटेंशन द ट्रांसफर कैन स्पेसिफाई पर्टिकुलर टाइम

यहां पे जो टाइम दे रखा है जैसे कि भाई बाईस साल का होगा तो प्रॉपर्टी मिलेगी अब ये टाइम दे दिया कि जैसे ही वो पर्सन जो है बाईस साल का हो जाएगा तो उसके उस प्रॉपर्टी में वेस्टेड इंटरेस्ट मिल जाएगा क्लियर नाउ डेथ ऑफ दी ट्रांसफरी अगर ट्रांसफरी मर जाता है तो मैंने क्या बताया कि उसके लीगल हायर को प्रॉपर्टी मिल जाएगी इसका एग्जांपल भी हमने डिस्कस किया है इफ दी ट्रांसफरी डाइज बिफोर गेटिंग दी प्रॉपर्टी इन पोजेशन पोजेशन उसके पास वेस्टेड इंटरेस्ट है पोजेशन नहीं मिला है उससे पहले ही अगर ट्रांसफरी जिसको प्रॉपर्टी मिली है वो मर जाता है तो क्या होगा द इंटरेस्ट इज द इंटरेस्ट वेस्टेड इन हिम विल नाउ वेस्ट इन लीगल हायर्स एंड दे विल गेट दी पोजेशन ऑफ दैट प्रॉपर्टी वंस दी कंडीशन इज फुलफिल्ड क्लियर तो मान लो अगर ये ये हुआ कि भाई ए, जो, ए को जो है ए ने प्रॉपर्टी लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट किया बी में और ये कहा कि बी जब तक जब तक मर जाएगा उसके बाद जब मर जाएगा बी तब सी को प्रॉपर्टी मिलेगी अब मान लो बी मरा उससे पहले ही सी मर गया तो वेस्टेड इंटरेस्ट तो सी में था ना तो लीगल हायर को वो प्रॉपर्टी पोजेशन में मिल जाएगी ठीक है तो अगर ट्रांसफर ही मर जाता है है तो उसके लीगल को वो प्रॉपर्टी मिल जाती आई होप इट इज क्लियर क्लियर नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट के सबसे पहली चीज नाट दी वेस्ट इंटरेस्ट क्रिएट्स अ प्रेजेंट राइट एक प्रेजेंट राइट क्रिएट करता है दैट इज इन दैट इफेक्ट्स इमीडिएटली जो इमीडिएटली उसका इफेक्ट रहता है ऑल्दो द ऑल इज पोस्टपोन एज आई हैव टोल्ड यू ठीक है इट डज नॉट एंटायरली डिपेंड ऑन दंडीशन एज द दंडीशन इन्वॉल्व इन सर्टेन इवेंट अब यहां पे देखो अगेन वेस्टेड में एक बात गार्ड बांध लेना कि वो जो इवेंट है उसका होना हंड्रेड परसेंट श्योर है वो इवेंट होगा ही होगा तभी आप ये कह सकते हो कि उस प्रॉपर्टी में तो उस ट्रांसफर को आप इनवैलिड नहीं मानोगे उसकी लीगल हायर को पास ऑन हो जाएगी वो प्रॉपर्टी ठीक है ट्रांसफरेबल है और हेरिटेबल भी है ठीक है तो ये एक डिफरेंस है आपका अभी हम जब कंटेजेंट इंटरेस्ट पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा ये डिफरेंस कि भाई जो वेस्टेड इंटरेस्ट है वो ट्रांसफरेबल भी है और हेरिटेबल भी है ठीक है वो हेरिट भी हो सकता है और वो ट्रांसफर भी हो सकता है क्लियर नाउ सेक्शन ट्वेंटी क्या बात करता है अब सेक्शन ट्वेंटी जो है बात करता है अनबोर्न चाइल्ड के बारे में ठीक है सेक्शन ट्वेंटी जो है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का ये कहता है कि वेस्टेड इंटरेस्ट टू एन अनबोर्न चाइल्ड कब मिलेगा वेस्टेड इंटरेस्ट अनबोर्न चाइल्ड को अब इसको एक example से समझते हैं कि मान लो है 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 उसने जो है y के में एक life interest create किया, एक life interest create किया किया ठीक और ये कहा कि ये property किसके बेनिफिट के लिए है अनबोर्न के बेनिफिट के लिए है. जब तक ये अनबोर्न पैदा नहीं हुआ है तो अनबोर्न के पास क्या है कंटेजेंट इंटरेस्ट है बट द मोमेंट ये अनबोर्न पैदा हो जाएगा तो उसके पास क्या हो जाएगा वेस्टेड इंटरेस्ट हो जाएगा तो उसके पास क्या हो जाएगा वेस्टेड इंटरेस्ट हो जाएगा क्लियर तो यहां पे यही बात सेक्शन 20 में कन्वे करी है कि जो अनबोर्न की बेनिफिट के लिए प्रॉपर्टी को ट्रांसफर किया गया है तो ऑफ ऑफकोर्स एक प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट करना होता है ये हम सेक्शन 13 में प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं अब यहां पे जब अनबोर्न के, के लिए आपने प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी तो जब तक अनबोर्न पैदा नहीं हो रहा है तो दैट इज कंटिजेंट अनबोर्न पैदा हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है राइट बट द मोमेंट वो अनबोर्न बोर्न हो गया पैदा हो गया वो बच्चा तो उस बच्चे के पास वेस्टेड इंटरेस्ट रहेगा प्रॉपर्टी का एंजॉयमेंट जो है वो पोस्टपोन रहेगा कि जब वो मेजर हो जाएगा

मेजर हो जाएगा जैसे हमने पढ़ा सेक्शन 14 में कि कब तक हम मैक्सिमम लिमिट क्या है पोस्टपोनमेंट की तो भाई मेजॉरिटी तक उसको पोस्टपोन कर सकते हैं उसका उसका है, उसको उसको है उस प्रॉपर्टी को आई होप इट इज क्लियर नाउ नेक्स्ट इज कंटेजेंट इंटरेस्ट क्या होता है व्हेन वी टॉक अबाउटेंट इंटरेस्ट तो मैंने एक एग्जांपल बताया था इसमें आपको कि जो चीज चांस से मिलेगी आपको इट इज जस्ट अ मेयर चांस हो सकता हो ये चीज हो हो सकता हो ना हो प्रॉपर्टी ए ने बी को ट्रांसफर करी इस शर्त पे इस चांस पे कि जब अगली बार इंडिया वर्ल्ड कप जीतेगी तो बी को प्रॉपर्टी मिलेगी अब किसको पता है कि वर्ल्ड कप जीतेगी या नहीं जीतेगी इंडिया अगला

On a condition, इस condition पे, इस पे, पे, शर्त ठीक है? कि जब वो uncertain event होगा, तब आपको property मिलेगी, तब आपको इंटरेस्ट मिलेगा उस प्रॉपर्टी में अदरवाइज नहीं मिलेगा अब जैसे हमारा एग्जांपल था कि ए ने प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी बी को ठीक है ए ने प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी बी को लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट किया कि भाई बेनिफिट एक अनबोर्न चाइल्ड के बेनिफिट के, के लिए प्रॉपर्टी ट्रांसफर एक प्रायर लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट कर दिया अब यहां पे अनबोर्न चाइल्ड जब तक पैदा नहीं हो रहा है उसका उसमें क्या है कंटेजेंट इंटरेस्ट है द मोमेंट अनबोर्न चाइल्ड पैदा हो गया उसका कंटेजेंट इंटरेस्ट से वेस्टेड इंटरेस्ट आ गया ठीक है अब यहां पे कहता है कि मान लो वो जो अनस्पेसिफाइड अनसर्टेन इवेंट है अगर वो हो जाता है तो इमीडिएटली कंटीजेंट इंटरेस्ट आपका वेस्टेड इंटरेस्ट में कन्वर्ट हो जाता है और यही बात आपकी यहां पे सेक्शन में बहुत स्पेशली स्पेसिफिकली मेंशन है द द पर्सन हैविंग इंटरेस्ट दस नॉट गेट दोजेशन ऑफ दैट प्रॉपर्टी उस प्रॉपर्टी का पोजेशन उसको नहीं मिलता बट हैज द एक्सपेक्टेंसी टू रिसीव इट अपॉन ऑफ द इवेंट बट विल नॉट रिसीव द प्रॉपर्टी इफ द इवेंट डज नॉट है अगर इवेंट नहीं होगा तो आपको वो प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी ना ही कोई कर, आपको जो है उसमें कोई इंटरेस्ट मिलेगा एज द कंडीशन इज नॉट फुलफिल और क्यों नहीं मिलेगा क्योंकि कंडीशन फुलफिल नहीं हुई

ठीक है एग्री किया कि वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर करेगा एक्स टू बी ऑन कंडीशन दैट हीशन जब भाई नब्बे प्रतिशत पेपर में नंबर लाओगे तो तुमको ये प्रॉपर्टी मिलेगी ठीक है ये एग्री किया ना ये जो कंडीशन है अब भैया पेपर तो करके आए नब्बे प्रतिशत आए हो सकता है उससे कम आए हो सकता है बच्चा फेल हो जाए तो ये कंडीशन है विच इज वेरी अनसर्टेन ठीक है बस चांस है कि 90 परसेंट आ गए तो प्रॉपर्टी मिल जाएगी नाउ दिस कंडीशन इज अनसर्टेन एंड ऑफ द इवेंट और नॉट हैपनिंग इज इन डाउट अभी तो डाउट में है ना कि नही आएंगे या फिर नहीं आएंगे एंड बी हैज एक्वायर अ इंटरेस्ट तो यहां पे बी का क्या कहेंगे कि भाई इस प्रॉपर्टी में उसका कंट्रीजेंट इंटरेस्ट है नब्बे आ गए तो प्रॉपर्टी हो जाएगी अदरवाइज प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी क्लियर नाउ ही शेल गेट प्रॉपर्टी ओनली इफ ही गेट्स नाइनटी परसेंट एंड वेन कंडीशन इज फुलफिल तो जब कंडीशन कंडीशन फुलफिल हो जाएगी और नब्बे परसेंट मार्क्स आ जाएंगे तो प्रॉपर्टीज़ को मिल जाएगी तो उसका वेस्टेड इंटरेस्ट हो जाएगा अदरवाइज उसका कोई भी इंटरेस्ट नहीं होगा प्रॉपर्टी में एंड दैट इज व्हाट इज कंटेजेंट इंटरेस्ट नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें कंटेजेंट इंटरेस्ट की तो यहाँ पे जो ये इंटरेस्ट uh, है ये सिर्फ और सिर्फ पूरी तरीके से डिपेंडेंट है किस चीज पे किसी कंडीशन पे जो इम्पोज है एंड इट ओनली हैपेंस वेन दी कंडीशन इज फुलफिल और ट्रांसफर तभी वैलिड माना जाएगा जब वो कंडीशन आपकी फुलफिल होगी जब वो अनसर्टेन इवेंट हैपन होगा तो ही आपको प्रॉपर्टी मिलेगी अदरवाइज कुछ भी नहीं मिलेगा दैट इज वाई कंटिजेंट इट इज ऑन चांस कि हो सकता हो मिले हो सकता हो सकता नहीं मिले इट इज डाउटफुल लो मर जाता है property, अब में क्या देखा कि ट्रांसफरी मर गया कोई बात नहीं उसकी लीगल हाइस को मिल जाएगी क्योंकि उसका है. में ऐसा नहीं होता है यहां पर कहता है कि अगर मान लो ट्रांसफरी मर गया बिफोर गेटिंग possession of the property uh, uh, the will result in the failure of contingent interest and the property will remain with the transferor to so, property किसके पास रहेगी transferor के पास ही रहेगी तो so, contingent interest का जो condition है जब तक fulfill नहीं हो जाती तब तक कुछ भी नहीं होता अगर कंडीशन फुलफिल हो गई तो वो वेस्टेड इंटरेस्ट में क्रिएट हो जाएगा और जैसे ही वो कंडीशन फुलफिल हो गई और वेस्टेड इंटरेस्ट में क्रिएट हो गया तो फिर अगर वो ट्रांसफर ही मर भी जाता है तो वेस्टेड इंटरेस्ट वाला अप्लाई होगा बट यहां फुलफिल नहीं हुई है तो उस पर्टिकुलर केस में प्रॉपर्टी ट्रांसफर को वापस चली जाएगी ट्रांसफरी के जो लीगल हायज है उनको कुछ भी नहीं मिलेगा उनको कुछ भी नहीं हाथ लगेगा ठीक है नाउ इंटरेस्ट इज राइट राइट ये एक है बट ये हेरिटेबल नहीं है बट वेदर

दरवाइज ये आपका हेरिटेबल नहीं माना जाएगा क्लियर नाउ सेक्शन 22 में क्या बता रखा है अब uh, सेक्शन 22 में सिंपल सी बात बता रखी है कि मान लो आप ट्रांसफर करते हुए एक से ज्यादा लोगों को कि आपने ये ट्रांसफर किया किसी ग्रुप ऑफ पर्सन पे एग्जांपल mm -hmm. से समझो इसको ये कहता है दैट मान लो एक्स ने प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी है किसी ग्रुप ऑफ पर्सन पे जस्ट अ मिनट ठीक है मान लो एक्स ने प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी वाई को जेड को ए को बी को अब इन चार लोगों को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी और ये कहा कि जो ये प्रॉपर्टी है ये ट्रांसफर होगी इसको 18 साल पे तो क्या ऐसा है कि जब सारे 18 साल के होंगे तभी प्रॉपर्टी मिलेगी ऐसा नहीं है और यही आपका इस सेक्शन में बता रखा है कि जब ग्रुप ऑफ पर्सन को ट्रांसफर कर रखी है मान लो वाई 18 का हो गया ये 19 का हो गया ये 20 का हो गया ठीक है और ये बी मर गया ठीक है बी मर गया तो क्या प्रॉपर्टी ट्रांसफर फेल हो जाएगी ऐसा नहीं है वो ट्रांजेक्शन आपका वैलिड माना जाएगा और जैसे ही जैसे ये अठारह साल के होते जाएंगे वैसे वैसे इन लोगों को प्रॉपर्टी में उनको इंटरेस्ट मिलता जाएगा ठीक है यही बात आपकी दे रखी है इस पर्टिकुलर सेक्शन में ठीक है इस पर्टिकुलर सेक्शन में दे रखी है सेक्शन ट्वेंटी टू में लेट्स रीड इट आउट की क्या कहता है ये ये कह रहा है दैट स्टेट्स अबाउट द ट्रांसफर ऑफ ग्रुप ट्रांसफर टू द ग्रुप ऑफ पर्सन

ठीक है एंड द पीपल हु हु हैव नॉट नॉट विल गेट द इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी जैसे मैंने एग्जांपल एग्जांपल आपको 18 साल का बताया। का बताया यहीं पे ये 40 40 40 इयर्स इयर्स है कि जैसे जैसे वो ऑफ एज अटेन करते जाएंगे वैसे वैसे उनको प्रॉपर्टी में वेस्टेड इंटरेस्ट मिल जाएगा अगर उसमें से कोई एक भी मर गया तो ट्रांजेक्शन पूरा जो है फेल नहीं होगा वो ट्रांजेक्शन पूरा आपका फेल नहीं होगा और इतनी सी बात दे रखी है सेक्शन ट्वेंटी टू में अगेन इसको एक एग्जाम्पल से समझो दोबारा समझो इसको अगर कंफ्यूजन हो रहा हो तो कि भाई एक्स ने प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी वाई को जेड को ठीक है दो लोगों को ट्रांसफर करी अब यहां पे ये इस शर्त पे ये कंडीशन लगाई इसमें कि जब ये चालीस साल के हो जाएंगे तो इनका प्रॉपर्टी में वेस्टेड इंटरेस्ट हो जाएगा हो गया हो जाएगा ठीक है तो यहाँ पे वाई जो है फोर्टी इयर्स का हो गया और जेड अभी फोर्टी इयर्स का नहीं हुआ तो वाई का वेस्टेड इंटरेस्ट हो जाएगा उस प्रॉपर्टी में और फिर जब जेड होगा तो जेड का भी हो जाएगा ठीक है अगर मान लो जेड मर गया तो ट्रांजेक्शन आपका फेल नहीं होगा वाई को वेस्टेड इंटरेस्ट मिलेगा आई होप इट इज क्लियर नाउ ठीक है नाउ नेक्स्ट इज सेक्शन नंबर ट्वेंटी थ्री 23 थ्री 23 किसकी बात करता है यहाँ पे कह रहा है सिंपल सिंपल एग्जाम्पल अगेन इसको समझते हैं ट्वेंटी थ्री बात कर रहा है कि मान लो जहां पे कोई प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट किया आपने ठीक है प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट किया और ये कहा कि ये प्रॉपर्टी मिलेगी अगेन एक कंडीशन लगा दिया कि ए ने प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी एक्स को एक लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट किया उसमें ठीक है यहां पर समझो ए ने प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी एक्स को एक लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट किया और कहा ये प्रॉपर्टी सी को मिल जाएगी जब ये अपना ग्रेजुएशन कर लेगा ठीक है जब ये बी ए पास कर लेगा ऐसा करके कुछ समझ लो ठीक है ये कंडीशन लगाई कि जब सी जो है बी ए पास कर लेगा तो ये प्रॉपर्टी में सी को वेस्टेड इंटरेस्ट मिल जाएगा ये कंडीशन लगाई ठीक है अब यहाँ पे कहता है कि जो ये एक्स को लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट किया है यहाँ पे यहाँ पे सी को अपनी ग्रेजुएशन इस लाइफ इंटरेस्ट जो प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट किया है एक्स में उसके मरने से पहले ही करनी है अपनी ग्रेजुएशन ठीक है 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 बात आपके सेक्शन नंबर में दे रखी है। क्या कहता दोबारा समझो कि मान लो ए ने एक्स के, के फेवर में प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी और एक लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट किया और यह कहा कि ये सी को प्रॉपर्टी मिल जाएगी जब सी जो है अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेगा ठीक है जब वो बी ए पास कर लेगा तब ठीक है अब यहां पे कहता है कि सी जो है इसको अपनी ग्रेजुएशन इसके लाइफ टाइम में ही करनी है अगर मान लो एक्स मर जाएगा तो फिर नहीं तो फिर ये फ्लॉप हो जाएगा तो फिर प्रॉपर्टी सी को ट्रांसफर नहीं होगी उसको वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं मिलेगा यहाँ पे सी को अपनी ग्रेजुएशन प्रायर इंटरेस्ट जो क्रिएट किया है उसके रहते ही कंप्लीट कर लेनी है ठीक है यहां सेक्शन ट्वेंटी थ्री में स्टेट्स अबाउट ऑफ द इवेंट दैट वाज मेंशन इन अ इनवॉलिंग इंटरेस्ट ठीक है नाउ दिस प्रोविजन सिंपली लेस डाउन वन ऑफ द टू ब्रांचेस ऑफ सेक्शन ट्वेंटी डिस्कस करा कंटेजेंट इंटरेस्ट के बारे में दैट uh, about the अबाउट interest now टू ब्रांचेस आर हैपनिंग ऑफ इवेंट और नॉन हैपनिंग ऑफ एंट इवेंट नाउ दिस पर्टिकुलर सेक्शन सेक्शन जो ये है आपका ये क्या की कर रहा है कि भाई जो एक्स के फेवर में आपने लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट किया है ये लाइफ इंटरेस्ट के एक्सपायर होने से पहले सी को अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर लेनी है

टू ग्रुप और दी क्लास ऑफ में गेट दी प्रॉपर्टी ऑन दंडीशन दे शेल बी लिविंग एट दिस अगेन जो सर्वाइविंग मेंबर्स हैं

क्लियर तो so, यहाँ पे यही बात कन्वे करी गई है नाउ दिस इज अ कंटीजन इंटरेस्ट एज द इवेंट मेंशन हियर इज एन अनसर्टेन इवेंट क्योंकि यहाँ पे इसको हम कंटीजन इंटरेस्ट नहीं मानेंगे कि इवेंट जब हैपन हो जाएगा आपका तो आपको प्रॉपर्टी मिल जाएगी बट यहाँ पे कह रहा है कि ग्रुप ऑफ पर्सन के लिए दे रखी है क्लास ऑफ पर्सन को दे रखी है प्रॉपर्टी तो अगर मान लो उनमें से कोई एक भी टपक जाता है मर जाता है तो उस पर्टिकुलर केस में पूरा ट्रांजेक्शन को हम अवॉइड नहीं करेंगे ट्रांजेक्शन आपका वैलिड रहेगा ठीक है ट्रांजेक्शन आपका वैलिड रहेगा आई होप इट इज क्लियर नाउ द ट्रांसफर

प्रॉपर्टी में एज ए ट्रांसफर वॉज इन्वॉल्विंग आ कंटेजेंट इंटरेस्ट क्योंकि मैंने आपको बताया कि कंटेजेंट इंटरेस्ट में लीगल हायर जो हैं वो अब कुछ भी इंटरेस्ट क्लेम नहीं करते हैं वेस्टेड इंटरेस्ट में लीगल हायर को प्रॉपर्टी जाती है ऑन द डेथ ऑफ द ट्रांसफरी बट कंटेजेंट इंटरेस्ट में नहीं ट्रांसफर होती है प्रॉपर्टी जो अगर मान लो ट्रांसफर ही मर जाता है तो लीगल है को प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं होती तो इस पर्टिकुलर केस में जैसे हमने एग्जांपल देखा कि भाई ए ने प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी चार लोगों को और ये कहा कि जब ये कंडीशन फुलफिल हो जाएगी तो आपका इसमें इंटरेस्ट हो जाएगा ठीक है अब ये कंडीशन पे है अगेन एक चांस है अगर कंडीशन फुलफिल हो जाएगी तो उनको प्रॉपर्टी में वेस्टेड इंटरेस्ट मिल जाएगा अब इन चार में से मान लो सिर्फ तीन ही सरवाइव करते हैं तो जो ये पर्सन मर गया है इसके लीगल हायर्स कोई भी इंटरेस्ट क्लेम नहीं कर सकते हैं प्रॉपर्टी में एंड दैट इज व्हाट इज गिवन अंडर सेक्शन 24 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट

क्लास क्लास का जो भी जो भी भी कंटेंट है है पीपीटी मैंने पे में यूज करी वो आप कलेक्ट कर सकते हैं टेलीग्राम पे तो आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं श्रीमि श्रीवास्तव के नाम से टेलीग्राम पे और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे श्रीमि श्रीवास्तव के नाम से ही कोई भी डाउट हो आपको सेशन के रिस्पेक्ट में टीपीए के रिस्पेक्ट में आपको कोई भी डाउट हो आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो सेशन में आप आ, आ, को पढ़ते वक्त आपके दिमाग में कोई भी डाउट आया है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं इस टेलीग्राम चैनल पे सो जस्ट गो एंड फॉलो दिस पर्टिकुलर ग्रुप सो दैट यू कैन जस्ट हैव दी पीडीएफ ऑफ टूडेज क्लास राइट एंड आई वुड लाइक टू शो यू कि किस तरीके से आपको इनरोल होना है क्योंकि अगेन बहुत ही लिमिटेड सीट्स बाकी हैं इस लाइफ फाउंडेशन बैच में और इस लाइफ फाउंडेशन बैच में अगर आपको इनरोल होना है तो यहाँ पे बाय नाउ पे क्लिक करें जैसे ही आप बाय नाउ पे क्लिक करोगे यहाँ पे अवेल ऑप्शन का ऑफर्स का अवेल करने का ऑप्शन आ रहा है प्रोमो कोड अप्लाई करें श्री लाइव एस एच आर आई एल आई वी ई जैसे ही आप प्रोमो कोड श्री लाइव अप्लाई करोगे यू कैन सी कि आपको ये कोर्स मिल जाएगा सबसे ज्यादा डिस्काउंट पे एंड यू कैन सी कि कोर्स की वैलिडिटी जो है 24 फोर मंथस है तो यहाँ पे आपको जो ये पूरा कोर्स है ये दो सालों के लिए वैलिड रहेगा और आप जो है एक साल में इसका पूरा कोर्स कवर, कवर, कवर अप करा दिया जाएगा और नेक्स्ट वन ईयर में आपके पास इस कोर्स का एक्सेस रहेगा आप मल्टीपल टाइम्स को वीडियोज को देख सकते हो लेक्चर्स को देख सकते हो और आप अपना कंटेंट को डाउनलोड भी कर सकते हो हैंड एंड नोट्स को लेक्चर नोट्स को डाउनलोड भी कर सकते हो सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर क्लासेस स्टार्ट होने वाली है 12 जु, जुलाई से जल्दी से प्रोमो कोड यूज करो श्री लाइव और मैक्सिमम डिस्काउंट लाओ ले जाओ और अपना प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दो क्योंकि यहाँ पे आपकी प्रीलिम्स से लेके इंटरव्यू तक तैयारी कराई जाती है एंड अगर आपको क्लास बैच वन का फीडबैक देखना है तो आप हमारे स्टडी आई के के चैनल पे फीडबैक्स भी देख सकते हैं एंड कोई भी डाउट हो तो यू कैन रीच मी आउट ऑन टेलीग्राम और इंस्टाग्राम सो दिस वॉज ऑल फ्रॉम माई एंड थैंक यू सो मच